गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या शुभमन गिल आउट थे या नॉट आउट। डे फोर की स्टार्ट पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 120 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जहां ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और उमेश यादव ने मार्नस लेबुशेन को 41 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। इसके बाद कैमरॉन ग्रीन और एलेक्स कैरी के बीच 43 रनों की स्लो पार्टनरशिप हुई, जहां ग्रीन को जडेजा ने 25 रनों के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया, जहां ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 167 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद इंडियन टीम को लगा कि मैच पूरा कंट्रोल में आ चुका है, पर स्टार्क और एलेक्स कैरी ने इनिंग्स को संभाला और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया, जहां डे फोर के लंच तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 201 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लंच के बाद एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क ने अटैक किया, जहां अगले 10 ओवर में दोनों प्लेयर्स ने 45 रन जोड़ दिए, जहां एलेक्स कैरी ने अपनी शानदार हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। जब मिचेल स्टार्क 41 रनों पर थे, तब मोहम्मद शमी ने स्टार्क को आउट कर दिया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग्स को 270 रनों पर डिक्लेयर कर दिया, जहां अब इंडिया को जीत के लिए 444 रनों की आवश्यकता थी। दोस्तों आपको बता दें, मिचेल स्टार्क और एलेक्स कैरी के बीच 8वें विकेट के लिए शानदार 93 रनों की पार्टनरशिप भी हुई। 444 रनों का पीछा करते हुए डे फोर के सेकंड सेशन में इंडिया की शुरुआत बेहद ही अच्छी रही, जहां पहले 7 ओवर में गिल और रोहित ने 41 रन जोड़ दिए। 8वें ओवर में बोलैंड ने गिल को आउट कर दिया, जहां गिल का ये कैच थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, इसलिए ऑन फील्ड अंपायर ने इस डिसीजन को थर्ड अंपायर के पास रेफर किया और थर्ड अंपायर ने 3-4 एंगल से देखने के बाद गिल को आउट दे दिया, जहां गिल ने बनाए 18 रन, जहां टी तक इंडिया का स्कोर था 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टी ब्रेक के बाद पुजारा ने रोहित का अच्छा साथ दिया, जहाँ दोनों प्लेयर्स ने सबसे पहले इंडिया के स्कोर को 50 के पार पहुँचा दिया। पुजारा ने क्रीज पर आते ही 5 फोर लगा दिए, वहीं रोहित ने भी एक शानदार सिक्स लगाया, जहां 18 ओवर तक इंडिया का स्कोर था 85 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों प्लेयर्स ने जल्दी ही 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली, पर मैच फिर से पलटा और सबसे पहले नेथन लायन ने रोहित शर्मा को 43 रनों पर आउट कर दिया, वहीं कमिंस ने पुजारा को 27 रनों पर पवेलियन भेज दिया। इंडिया का स्कोर 93 रन 3 विकेट के नुकसान पर 21 ओवर के बाद। रहाणे और विराट कोहली ने इंडिया के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। अब इंडिया को 344 रनों की और जरूरत थी।